लगा रहे हैं भाई भाई, कलाई कट गया, तन्हा में छोड़ के गए हो, बेदर्दी आस बिना लिए, कुछ भी बक रहे हैं, ठीक है। मतलब अल्फाज ने निराश किया, तुमने तो पिछवाड़ा मार लिया, तन्हाई में क्या करूं, खीरा ककड़ी खा रहा हूं, कुछ भी लिख रहे हैं। क्यों टमाटर क्यों नहीं खा रहे हो, टमाटर का चटनी बनाओ, हैं लिखो, तन्हा तुमने छोड़ के तन्हा कर दिया, टमाटर में प्याज मिला के चटनी खा रहा हूँ, ठीक है, टमाटर पिसाया नहीं तो मिक्सी में पीस रहा हूँ, वाह 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 वाह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, मैं हूँ सोहन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज का टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के दौरान आपको कैसा डीपी, कैसा स्टेटस और कैसा स्टोरी लगाना चाहिए, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कैसा डीपी नहीं लगाना चाहिए, कैसा स्टोरी नहीं लगाना चाहिए और कैसा स्टेटस नहीं लगाना चाहिए। मतलब स्टोरी वो इंस्टाग्राम में जो भी लगाते हो उसको स्टोरी बोलते हैं, व्हाट्सएप पे जो भी लगाते हो उसको स्टेटस बोलते हैं, और फेसबुक पे भी जो लगाते हैं उसको स्टोरी बोला जाता है, समझ रहे हो भाई। बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं लेकिन अधिकतर लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है, उन्हें उनको पता नहीं है डीपी कैसे लगाना चाहिए, ठीक है, स्टेटस स्टोरी में भी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो भाई पूरा वीडियो देखना रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ये डेली बेसिस पे करते हो, इसलिए एकदम मतलब सही तरीके से करना जरूरी है, ठीक है। ये डीपी चेंज करना, ये स्टेटस स्टोरी, ये सब आप लोग रेगुलर करते हो, ठीक है, तो भाई पूरा वीडियो देखना। और एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एकदम मारो लाइक भाई, एकदम लाइक मारो, ठीक है, जितना लाइक मार सको, 150-200, ठीक है, एकदम दूसरे का छोड़ो लेकिन आपको एकदम लाइक मारना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, ये डीपी लगाना, स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, ठीक है, ये सब है सोशल मीडिया का चीज, ठीक है। अब आप लोग बहुत लोग बोलोगे लगाना जरूरी है क्या, मैं तो लगाता ही नहीं हूँ भाई। डीपी अगर आप लोग नहीं लगाते हो, स्टेटस स्टोरी नहीं लगाते हो, यानी कि आप लोग सोशल मीडिया में उतना एक्टिव नहीं हो, ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट रूल में आप लोग लैग कर रहे हो, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट रूल मतलब क्या होता है, खुद से कॉल मैसेज नहीं करना, ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने आप को इंटरेस्टिंग भी बनाए रखना होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल में थोड़ा खुद को इंटरेस्टिंग बनाए रखना होता है, इसलिए बोला जाता है कि डीपी भी लगाया कीजिए, स्टेटस स्टोरी भी लगाया कीजिए, कि कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर आपको स्टॉक करने का कोशिश करेगा, ठीक है, भले आपको ब्लॉक मार दिया लेकिन दूसरे आईडी से कहीं ना कहीं आपको चेक करेगा, दूसरे फोन नंबर से आपका व्हाट्सअप डीपी चेंज करेगा, तो कहीं उसको दिखना जरूरी है कि यार ये डीपी चेंज कर रहा है, यार ये स्टोरी स्टेटस लगा रहा है, मतलब ये अपने लाइफ में मस्त है, ये दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग, आप लोग डीपी नहीं लगाते हो, खास करके बहुत सारी लड़कियां, ये लोग बोलते हैं सर मेरे फैमिली वाले वो मतलब पसंद नहीं है डीपी उपी लगाना, या ठीक है चलो आप लोग की मर्जी, आप लोग मत लगाइए, चाहे फैमिली इशू है चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं फिर भी आप लोग लैग कर रही हो, वो अलग बात है, लेकिन लव साइकोलॉजी जो लव टिप्स है इसमें तो आप पीछे जा रही हो ना, वो भले जो लॉजिक हो, जो रीजन दो आप कि नहीं लगा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं आप मार कर रही हो, 10 कदम पीछे ही रहोगी आप हमेशा, ठीक है। तो डीपी स्टेटस ये सब लगाते रहना चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंट मतलब ये फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, हर दिन स्टेटस स्टोरी लगाना चाहिए, लेकिन अब लेकिन बहुत लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोग की मर्जी, लेकिन टॉपिक ये है कि लगाएं कैसे, मतलब सॉरी लगाएं क्या, आप समझ रहे हो भाई। सबसे पहले बात कि जो लोग डीपी में दिखाते हैं कि मैं बहुत ही उदास हूँ, ठीक है, दुखी आत्मा हूँ, भाई आप लोग चौपट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट रूल आप लोग ठीक है गैप मार दिए, लेकिन भाई कहीं ना कहीं आप डीपी लगा रहे हो, एकदम नस काटने वाला फोटो चिपका रहे हो, ठीक है, या अकेले तन्हा, ठीक है, लिख रहे हो हैप्पी लोनली बट अलोन बट हैप्पी, ये सब भाई फालतू का चीज़ है। आपको दिखाना है नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान कि आप बहुत ही हैप्पी हो, आपको अपनी हैप्पी लाइफ दिखानी है, ठीक है। सैड स्टेटस भी बहुत लोग लगाते हैं यार, मतलब दिन लिखा मतलब क्या क्या कि तुम चली गई, या फिर तुम चले गए तो ठीक है, ठीक है, तन्हा मुझे छोड़ के इस महफिलों से क्या गिला करूं, असल मतलब क्या क्या भाई एकदम, ये सब जो लिखते हो, ठीक है, कि दुनिया ही ऐसी है तकलीफ भरे, मतलब साला अल्फाजों से क्या बयां करूं, ठीक है, खून जो चूस लिया है, अबे क्या क्या चूस लिया है, समझे भाई, ये सब जो आप लोग लिखते हो, आप लोग सोचते हो कि मेरा सैड स्टेटस देख के, सैड स्टोरी देख के सैड डीपी लगाऊंगा, मेरा पार्टनर मेरे पे तरस खाएगा और आ जाएगा। बहुत ही रेयर केस में ये होता है कि आपका सैड स्टेटस देख के कोई आपका पार्टनर रेस्पॉन्स कर रहा है, अगर आ भी गया ना फिर भी वो चला जाएगा,
नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों फॉलो करते हो, ये लगाइए थोड़ा, है ना आप लोग के पास, ये लगाइए नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों फॉलो करते हैं। वो इसलिए फॉलो करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू डाउन हुई है, ठीक है, वो वैल्यू अप रहे, तो खुश रहोगे तभी ना भाई, तभी ना आपका पार्टनर सोचेगा कि ओ ये डीपी यूपी अगर हर 3-4 दिन पे चेंज कर रहा है, अपना वो हैप्पी डीपी लगा रहा है, हैप्पी स्टेटस, हैप्पी डीपी मतलब जिसमें खुश दिख रहे हो, ठीक है, खुद का चेहरा अगर दिखा रहे हो डीपी में, तो और इम्पैक्ट करेगा, और इम्पैक्ट पड़ेगा, आप समझ रहे हो, तो पार्टनर भी सोचेगा यार इसकी लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, ठीक है, अगर ये दुखी होता तो भाई इतना डीपी चेंज नहीं करता, मतलब ये नहीं कि एक दिन में 4 बार चेंज करने बोल रहा हूँ, हर दिन भी चेंज नहीं करना है डीपी, मतलब प्रोफाइल फोटो, मतलब 3-4 दिन में चेंज करते रहो डेली, लेकिन स्टेटस स्टोरी डालना है, लेकिन उसमें भी दिखाओ कि मैं जैसे जिम वाला डाल सकते हो, बहुत लोग जिम जाते हैं, या मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, इवनिंग वॉक कर रहे हो, या कुछ खा रहे हो उसका फोटो डालिए, मूवी भी जा रहे हो, अभी जैसे आदिपुरुष रिलीज हुई, ठीक है, मैं तो फ्लैश देख के आया हूँ, ठीक है भाई, वो उसका फोटो डालो, आप समझ रहे हो ना भाई, मतलब खुद को दिखाना है कि मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत तो क्या सोचते हैं ना, बहुत तो क्या सोचते हैं, मैं रोमांटिक स्टेटस लगाऊंगा ना तो मेरा पार्टनर बड़ा खुश होगा, आपके पार्टनर को खुश नहीं करना है, सैड स्टेटस के साथ साथ आपको रोमांटिक स्टेटस भी नहीं लगाना है, बहुत लोग लगा देते हैं, ठीक है, हार्ट ब्रोकन टाइप का, वो तो थोड़ा सैड हो गया, फिर भी रोमांटिक लगाते हैं कपल वाला, या फोटो भी रोमांटिक डालते हैं, अरे भाई वो भी नहीं डालना है, सैड स्टेटस नहीं डालना है, रोमांटिक भी नहीं डालना है, क्योंकि रोमांटिक वाला डीपी, मान लो कि दो तोता जो होता है ना, मतलब लव बर्ड्स लिखा हुआ है और तोता है नीचे दो, ठीक है, लविंग बर्ड्स, भाई आपका पार्टनर यही ना सोचेगा, ओ मेरे को मिस कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सिग्नल दिखाना चाह रहा है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, और ये दो बर्ड लगाया है, यानी कि एक मैं हूँ एक तुम हो, आप समझो, ये सब कुछ नहीं, कुछ लोग वो डालते हैं एकदम लड़का लड़की गले मिल रहे हैं, अरे ये सब भी नहीं लगाना है, तो देखो सैड स्टेटस नहीं लगाना है, रोमांटिक स्टेटस नहीं लगाना है, मतलब स्टोरी भी वही है, फेसबुक इंस्टा वाला में स्टोरी बोलते हैं, और व्हाट्सएप पे लगाओ तो स्टेटस, ठीक है, अगर स्नैपचैट में भी कुछ अगर लगाते हो भाई ये सब मत लगाओ, ठीक है, डीपी भी आप समझ गए रोमांटिक और सैड नहीं लगाना है, ठीक है। अब हाँ, एटीट्यूड वाला लगाओ, लेकिन सेल्फ लव सेल्फ ग्रो वाला एटीट्यूड वाला लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन घमंड और ये सब ऐसा एटीट्यूड वाला मत लगाना जो आपके पार्टनर के बारे में कुछ बता रहा है, जैसे कि कोई भी मुझे छोड़ के चला जाए मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता, आप समझ रहे हो ना, फर्क मतलब इस टाइप का नहीं लगाना है आप, ठीक है, इसमें सैड भी नहीं लगा रहे हो, रोमांटिक भी नहीं है, लेकिन ये जो आप लिख रहे हो कोई भी मुझे छोड़ के चला जाए मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता, तो ये क्या कहना चाह रहे हो इनडायरेक्ट वे में, वो तो पार्टनर को ही कह रहे हो ना, तो पार्टनर तो समझ जाएगा कि ओ भले एटीट्यूड में लिखा है लेकिन भाई इसकी फटी पर ही है, मेरे बारे में लिखा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को होप दे रहे हो ना कि हाँ तू और मोटिवेट और गैप मेंटेन कर और रेस्पॉन्स मत दे, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि ऐसा स्टोरी ऐसा स्टेटस ऐसा डीपी नहीं लगाना है जो कहीं ना कहीं मतलब जिससे कहीं ना कहीं आपका पार्टनर को तसल्ली मिल जाए, ओ मेरे लिए ये लगता है दुखी है, ठीक है, मेरे लिए लगाया, ऐसा नहीं लगना, ठीक है। आप अपने फैमिली जैसे फैमिली पार्टी हुआ कुछ भी, ठीक है, फैमिली फंक्शन शादी वादी में मम्मी पापा के साथ लगाओ, ठीक है, या कहीं घूम रहे हो, सबसे अच्छा चीज होता है आप अपना लगाते हो, ऑफिस जा रहे हो लैपटॉप के साथ एकदम क्लिक करो, ठीक है, मान लो एथलीट हो क्रिकेट खेल रहे हो, आप समझ रहे हो ना, तो भाई किसी से क्लिक करवा लो कि बैटिंग कर रहा हूँ, मॉल वॉल घूमो, बर्गर वर्गर खा रहे हो उसका फोटो ले लो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो उसका फोटो स्टेटस में पटको, आप समझ रहे हो भाई मैं क्या बोलूँ। कुछ लोग क्या है ना, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये सब सोच के ही लगाते हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर को याद नहीं भी करते हैं, मान लो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं और उनको नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान उनको अपना पार्टनर याद नहीं आ रहा है, फिर भी मान लो कि किसी सिंगर का जो सैड सॉन्ग है अरिजीत सिंह या के का वो गाना भाई वो स्टेटस लगा दिए, लेकिन भाई आप भले आप अपने पार्टनर को अभी मिस नहीं कर रहे हो लेकिन आपका पार्टनर तो सोच लेगा ना कि मेरे लिए लगाया, तो भाई ध्यान रखना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं गलती से भी आपको वो नहीं लग जाना चाहिए, अगर वैसा है तो भाई, अगर हाँ आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या आपने ही ब्लॉक किया या जो भी, तब तो अभी सी बात है, इंस्टाग्राम मान लो कि आप प्राइवेट करके आप कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि और भी आपके दोस्त लोग हैं वो सब देखेंगे, ठीक है, लेकिन अकाउंट पब्लिक है तो आपका पार्टनर ब्लॉक भी किया है तो भाई अकाउंट पब्लिक रखे हो दूसरा आईडी से वो चेक कर सकता है, ठीक है, इसलिए भाई सैड स्टेटस मत लगाओ, रोमांटिक स्टेटस मत लगाओ डीपी भी,
ठीक है, और एटीट्यूड वाला मतलब जो आपके पार्टनर से रिलेटेड है, खुद को दिखाओ मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, तेरे बिना भी मैं खुश हूँ, फर्क पड़ता है। ठीक है, कितने लोग यार मैं समझाता हूँ डीपी तक नहीं लगाते हैं। आप एक डीपी नहीं लगा पा रहे हो, घंटा पार्टनर लाओगे, अब वो अलग बात है आपके साथ कुछ मजबूरी है, ठीक है कि नहीं। अब कुछ लोग क्या होता है ना, अपने लुक्स को भी लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, खासकर लड़कियां सोचती है यार उतनी अच्छी नहीं दिखती हूँ ये वो बात। भाई खुद के खुद से प्यार कीजिए, लड़के हो चाहे लड़की, क्या है चेहरा अपना दिखाने में है? आप अपने ही चेहरा कैसे भी दिखते हो, कैसे भी नाक नक्शा है, काले हो गोरे हो सांवले हो जैसे हो, खुद से प्यार कीजिए। आप समझ रहे हो, आप अपने लुक्स में कॉन्फिडेंट नहीं ना हो, आप अपने ही आपको प्यार नहीं कर रहे हो ना कहीं ना, आप अपने ही शक्ल से अगर प्यार नहीं कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हो। आप अपने माँ बाप, क्योंकि आपको जेनेटिकली वो मिला है, ठीक है, जो भी आपका चेहरा है वो जेनेटिकली माँ बाप से मिला है, आप कहीं ना कहीं आप माँ बाप से संतुष्ट नहीं हो, एक तरह का गाली देना होता है। इसलिए खुद का मजाक मत उड़ाइए, खुद को कम मत समझिए, चेहरा जैसा भी है फोटो ले लीजिए। और तो भाई हल्का टच है पूछा भाई, वो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड हॉलीवुड वाले भाई बिना मेकअप के नहीं मिलेंगे आपको। आप कोई भी सेलिब्रिटी का इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए, सारा मेकअप में फोटोशूट है उसका, समझ रहे हो। तो हल्का मेकअप वेकअप लगा के क्लिक कर लो सेल्फी वेल्फी, एक से एक सारा फिल्टर वाला ऐप आ गया यार, क्लिक करो डालो भाई, आप अपना लाइफ दिखाओगे मैं खुश हूँ। रील वील बनाया कीजिए इंस्टा उंस्टा पे, इंस्टा हाँ रील वील अपना बनाया करो। हर बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, रील यार लिपसिंग आता नहीं है, लिपसिंग करने नहीं आता है, ठीक है। अरे कौन बोल रहा है लिपसिंग करने, भाई मेरे को घंटा आता है, मैं बस ऐसे लेता हूँ, ठीक है, वीडियो ऐसे लेता हूँ, बस बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल के डाल देता हूँ, समझ रहे हो। भाई खुद को दिखाओ आप हैप्पी हो। नो कॉन्टैक्ट रूल एक मिशन है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक दो दिन का चीज नहीं है, ठीक है। इस दौरान भाई सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहना होगा, आप स्टूडेंट भी हो लेकिन एक स्टेटस डालने में कौन सा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। अगर स्टूडेंट हो इतना ही पढ़ाकू हो तो फिर पार्टनर के बारे में क्यों सोच रहे हो, पढ़ाई कीजिए, लेकिन पार्टनर भी आपको चाहिए ना। तो भाई एक स्टेटस स्टोरी या बीच बीच डीपी चेंज तो करना होगा आपको, समझ रहे हो भाई। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कैसा लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब खुद का चेहरा का लगाओगे ज़्यादा सही है भाई, जो भी खुद का चेहरा का डीपी या स्टेटस में डालते हैं वो ऐसा लगता है ना, ये अपने आप को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करता है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने में, समझ रहे हो भाई। लगा रहे हैं भाई भाई कलाई कट गया, तन्हा में छोड़ के गए हो, बेदर्दी आस बिना लिए, कुछ भी बकर है, ठीक है, मतलब अल्फाज ने निराश किया, तूने तो पिछवाड़ा मार लिया, तन्हाई में क्या करूं खीरा ककड़ी खा रहा हूं, कुछ भी लिख रहे हैं। क्यों टमाटर क्यों नहीं खा रहे हो, टमाटर का चटनी बनाओ है, लिखो तन्हा तुमने छोड़ के तन्हा कर दिया, टमाटर में प्याज मिला के चटनी खा रहा हूँ, ठीक है, टमाटर पिसाया नहीं तो मिक्सी में पीस रहा हूँ, वाह 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 वाह। अब बताओ सैड स्टेटस है, सैड है या रोमांटिक, मेरे को तो लग रहा है रोमांटिक क्योंकि टमाटर का जिक्र हुआ है, समझ रहे हो। मतलब मेरे बातों में देख रहे हो कितनी बकचोदी है, उसी तरह आप लोग भी बकचोदी करते हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ रहे हो। तो भाई चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, एकदम पसंद है मारो लाइक, लाइक नहीं मारते हो देख देख के चल जाते हो भाई, ठीक है, लाइक मारिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, मेरा तो दुआ आपके साथ है लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी आप लोगों को दुआ मिलेगा कि मेरा वीडियो को लाइक किया गया है, एकदम पार्टनर आप लोग का आ जाए, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को मारो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और मेरे से डायरेक्टली अगर जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, भाई पैसा लगता है, ठीक है, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पे कीजिए, एक घंटा में बात करता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।